हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 71वां पार्ट है। और इससे पहले कि हम जीके प्रारंभ करें, आप में से जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं सही टाइम पे आपको वीडियो पहुंच जाए। इसके साथ साथ आपको एक और बात कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है क्विज गुरु डॉक्टर फरोज इकबाल के नाम से एक चैनल है, उसमें आप जाएं और आपके लिए स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस सेट है। हर एक का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, डिफरेंट सब्जेक्ट है जीएस जीके जीएस का। और ये फायदा होने वाला है आईएएस से लेकर के पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, आर्मी, पुलिस और ग्रुप सी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी कंपटीशन हैं टॉप टू बॉटम, सारे विद्यार्थी उसमें जा करके आप क्या करें प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो उस पर आप ज़रूर, आपसे आग्रह है कि उसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्किल काफ़ी बढ़ेगा और वो एकदम चैप्टर वाइज करें आप। चलिए शुरू करते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा है, ग्रुप सी का आया हुआ प्रश्न है। वंदे मातरम किसने लिखा है, 5 सेकंड में उत्तर करेंगे इसका। कमेंट बॉक्स में भी आप उत्तर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, और अगर पहले लिखना है तो इसको लिख लें फिर याद करें, फिर आप नेक्स्ट टाइम जब प्रैक्टिस करें तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करें। बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है उसकी, उसका उसके बारे में चर्चा करते हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है, 5 सेकंड का टाइम है, कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। आनंद मठ, तो फिर एक प्रश्न आ जाएगा, आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है उपन्यास है, बंकिम चंद्र चटर्जी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, ये प्रश्न आया हुआ है, कब? कलकत्ता 1896, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन। क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? अगर आप जानते हैं कि स्थापना कब हुई है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, कब हुई है स्थापना, 1885 में। और किसने स्थापना किया है कांग्रेस की, ए ओ ह्यूम ने किया। तो बहरहाल उसकी स्थापना के 12वें अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन 1896 में, वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। एक पुस्तक है देवी चौधरानी, किसने लिखी, देवी चौधरानी ने ही लिखी है। और एक प्रश्न है, आया था ये प्रश्न तो इसको जानना तो और जरूरी है। प्रश्न लेते हैं हम, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया, 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया। ग्यारह फरवरी 1922, आपको बता दें कि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था, चौरी चौरा कांड हुआ था यूपी में, उसके कारण 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ। असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में, स्थगित हो गया था 1922 में, क्योंकि इसमें हिंसा हो गई थी तो महात्मा गांधी ने इसको वापस ले लिया था। तो देखते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित मुख्य तथ्य। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया गया, प्रश्न है।
सितंबर 1920 और इसकी स्वीकृति हुई दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में इसको से, आपको पता है ये बात कि जितने अधिवेशन होते थे कांग्रेस के वो दिसंबर में होते थे, वहीं वार्षिक अधिवेशन था और वर्ष भर का क्या कहते कार्यों की गतिविधि का मूल्यांकन किया जाता था कांग्रेस द्वारा कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, लक्ष्य क्या है, अगले साल क्या करना है, कैसे कैसे क्या होगा, तो वो दिसंबर में होता था। तो दिसंबर 1920 में लिया गया था इसकी स्वीकृति। चलिए, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ प्रश्न है। पांच सेकंड में उत्तर करना था कमेंट बॉक्स में। 1 अगस्त 1920, और तिलक स्वर्गवासी हुए थे इस तारीख को, 1 अगस्त, इससे आपको याद रहेगा 1920 में तिलक स्वर्गवासी हो गया थे, उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट आया हुआ सवाल है ग्रुप सी में, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 5 सेकंड में उत्तर करेंगे। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और कौन थे ये सब आपको पता है, जनरल डायर थे उस समय जो जालियांवाला बाग कांड को अंजाम दे रहे थे, और वहाँ पे किस तरह की सभा चल रही थी ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस सभा में कौन कौन नेता थे, डॉक्टर किचलू थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, ये सब एकत्रित हुए थे और उसको लेकर के अंग्रेजों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है प्रश्न है, 5 सेकंड में उत्तर करें। अमृतसर पंजाब, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आप जरूर करें कमेंट बॉक्स में। जालियांवाला बाग में लोग किसके विरोध में एकत्रित हुए थे, जालियांवाला बाग में लोग किसके विरोध में एकत्रित हुए थे, तो आपको बता दें डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी हो गई थी, उनके विरोध में लोगों ने जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे सभा के लिए। नेक्स्ट, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इनमें कितने व्यक्ति मारे गए थे, 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। 379 व्यक्ति, 379, लेकिन कांग्रेस समिति के अनुसार कितने व्यक्ति मरे थे, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 व्यक्ति करीब करीब मरे थे। तो ये सब था प्रश्न जालियांवाला से रिलेटेड। अब बारी है प्रश्नों की, 3 प्रश्न लेते हैं और इन तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। दूसरा प्रश्न, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ है, IAEA।
मैं जितने भी तीन प्रश्न देता हूँ जीके के वीडियो के आखिर में, वो अति महत्वपूर्ण होता है, उसको बिल्कुल मिस ना करें और कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर करें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ में आप अपना सुझाव दें, कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल करके जो चैनल है, उसमें आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसमें जाके आप प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस सेट IAS, PCS, CDS, NDA, LT, TET, समूह ग्रुप सी और बैंकिंग रेलवे जितने भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम टॉप टू बॉटम है, बॉटम सब की तैयारी करने वाले विद्यार्थी वहां जाके प्रैक्टिस करें, वो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए तैयार किया गया, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। थैंक यू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है आप लोगों का। हेलो स्टूडेंट्स, ये जनरल नॉलेज का जीके का 65वां पार्ट है, और आप जान रहे हैं जी के बेसिक कोर्स चल रहा है, ये बहुत साइंटिफिक तरीके से हम प्रश्न को लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो संभावना होता है उसकी हम बात करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको वीडियो सही समय पर मिल जाए, क्रम से आपको मिल जाए, और बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस है आप लोगों का, काफी सही आप जवाब दे रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया था? भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया था? आंसर आप करेंगे 5 सेकंड में। रेड क्लिफ ने किया था भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन, उसी को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ देख लेते हैं, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। भारत और चीन के बीच है। और नेक्स्ट, डुरंड रेखा किन देशों के बीच है? भारत अफगानिस्तान के बीच है, सर डुरंड ने किया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच, ये डुरंड व्यक्ति का नाम है, उन्होंने ये रेखा बनाई थी, सर डुरंड 1896 में, और मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ है। रेड क्लिफ रेखा, 5 सेकंड का टाइम है, आप उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। भारत पाकिस्तान के मध्य ये प्रश्न आया हुआ है, रेड क्लिफ रेखा, सर रेड क्लिफ हैं, CJ रेड क्लिफ, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के मध्य ये रेखा, ये लाइन खींचा था, और ये घटना 15 अगस्त 1947 की है, और साथ में मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में है? 5 सेकंड में उत्तर करें। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के मध्य है।
चलिए और प्रश्न लेते हैं। लिपुलेख पास स्थित है किस राज्य में भारत के? लिपुलेख पास या दर्रा, 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड में। तो देख लेते भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, उसकी हम बात करते हैं आखिर वो कौन कौन से दर्रे हैं जो भारत में हैं। तो चलिए उसके विचार विमर्श कर लेते हैं। काराकोरम दर्रा ये कहाँ अवस्थित है? 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। जम्मू कश्मीर। जोजीला दर्रा, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। जोजीला दर्रा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल दर्रा, 5 सेकंड जम्मू कश्मीर। और शिपकीला दर्रा, शिपकीला हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? 5 सेकंड में उत्तर करें। हिमाचल प्रदेश। तो उसके बाद बताइए बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है बुर्जिल दर्रा भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन तुजू दर्रा, तुजू दर्रा किस राज्य में है? 5 सेकंड में उत्तर करें। मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट बोमडीला दर्रा किस राज्य में है? 5 सेकंड में उत्तर करिए। बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। दीफू दर्रा, दीफू किस राज्य में? दीफू, 5 सेकंड अरुणाचल प्रदेश। और यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा किस राज्य में है? 5 सेकंड सिक्किम। जिलेप्ला, जिलेप्ला दर्रा किस राज्य में है? यह भी सिक्किम में है। अब चलिए और देख लेते हैं लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है? 5 सेकंड में उत्तर करें। यह प्रश्न आया हुआ है उत्तराखंड। माणा दर्रा किस राज्य में है? उत्तराखंड। और नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड। चलिए 3 सवाल की बारी आती है, हम 3 प्रश्न को लेते हैं। आप हमें बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मौलिक अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है?
और तीसरा प्रश्न, संविधान संशोधन का संबंध किस अनुच्छेद से है। और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें और अपने सुझाव ज़रूर दें और इसको लाइक कमेंट और शेयर भी करें। साथ साथ में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें। और साथ में एक और अहम बात यह है कि आप लोग प्रैक्टिस करें क्विज गुरु चैनल पर जा करके। वहाँ पे डिफरेंट जो सब्जेक्ट है जीएस के, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भी जो भी हैं, उनको आप प्रैक्टिस वन बाय वन करके एक एक चैप्टर वाइज स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस करिए, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आपके लिए वो, और किन के लिए वो बेनिफिशियल है, वो IAS, PCS, CDS, NDA, LTTT, समूह ग, ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग और जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम हैं, वो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो भी विद्यार्थी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वो जा करके क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल चैनल पे उसको प्रैक्टिस करे, आपको वो बहुत फ़ायदा देने वाला है। और आप अपने दोस्तों को ये शेयर भी करें, लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 73वां पार्ट है और आप जानते हैं कि हम प्रश्नों से शुरू करते हैं। तो प्रश्न लेने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप में से जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी हम अपलोड करें सबसे पहले आपको मिले। और एक सजेशन है आपके लिए कि क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल पे स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस सेट तैयार है, वहाँ जा करके आप जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करें और अपने आप को मजबूत करें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, स्पेशलाइज तरीके से पढ़ाई फुट कर और विविध प्रश्नों के चक्कर में आप ना रहें। वो फ़ायदा पहुंचने वाला है किन को, ये भी एक सवाल है। जो IAS की तैयारी करते हैं, PCS की कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, NDA की कर रहे हैं, LTTT, समूह ग, ग्रुप सी, SSC, बैंकिंग, रेलवे, BA, DLED, जितने भी एग्ज़ाम हैं, वो सारे स्टूडेंट टॉप टू बॉटम जा करके प्रैक्टिस करें। वो बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, उसको आप मत छोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पैदा होता है? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। ये प्रश्न आया हुआ है ग्रुप सी में। भारत में जाड़ों में वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही उत्तर है पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में पश्चिमी विक्षोभ पैदा होता है, जिसके कारण भारत में जाड़े में वर्षा होती है। और आपको बता दें कि भारत में जो जाड़े में वर्षा होती है, उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ, या इसको जेट स्ट्रीम भी कहते हैं, जेट स्ट्रीम के कारण वर्षा होती है। और एक प्रश्न आया था, उसको भी आप लिख लीजिए, ज्योग्राफी से संबंधित है, बल्कि आप उसका उत्तर बताएंगे 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ घटित होती है, किस मंडल में होती है? इसका मतलब यह है क्षोभ मंडल। तो आपको मैं ये बताऊं कि जिसमें हम लोग रहते हैं, ये सारा जो मंडल है विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर, ध्रुव में 8 किलोमीटर, यानी ये जहाँ वायुमंडल है, ये जो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं, पृथ्वी से जुड़ा हुआ जो मंडल है, क्षोभ मंडल है। मंडल का मतलब ये स्टेज जो है
पृथ्वी से सटा हुआ जो पर्यावरण है, वातावरण है, उसको हम क्षोभ मंडल कहते हैं। उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं घटती है, यही घटती है। ये 18 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, यानी ध्रुव में 8 किलोमीटर और मैदानी क्षेत्रों में विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर मानी जाती है। सारी मौसम संबंधी घटनाएं यही घटती है क्षोभ मंडल में। चलिए थोड़ा देखते हैं मंडल की संरचना, वायुमंडल की क्या क्या संरचना है। तो ये वायुमंडल है जो जमीन से लेके आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जितने लेयर हैं विभिन्न गैस के आधार पर, इसको अलग अलग उसके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीज़न किया गया है। तो सबसे पहला जो मंडल है, मंडल आप समझिए ना, पहला क्लास, पहला जो है एनवायरनमेंट का एरिया, वो ट्रोपोस्फीयर कहलाता है, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल, ये इसकी ऊंचाई आप लिख लीजिए ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इसके बाद का मंडल है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। ये होता है, इसका किलोमीटर आप बताएं कमेंट बॉक्स, 18 से 32 किलोमीटर। जनरली विषुवत रेखा यानी मैदानी इलाके पे हम देखते हैं बात को 18 से 32 किलोमीटर। ये जितने हवाई जहाज हैं वो किस मंडल में उड़ते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर, इसी में उड़ते हैं, समताप मंडल में। वायुयान उड़ाने के लिए ये आदर्श दशा है। यहाँ बादल नहीं पाए जाते हैं और हल्की हल्की वायु चलती है उस मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। वहाँ पे जितने बादल वगैरह है वो सब क्षोभ मंडल में, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं क्षोभ मंडल, आंधी तूफान बादल क्षोभ मंडल में। समताप मंडल एक जैसा टेम्परेचर है, नाम से क्लियर है, और हल्की हल्की हवा चलती है वहाँ। इस मंडल में तापमान समान रहता है, समताप, स्ट्रेटोस्फीयर। और तीसरा मंडल है ओजोन मंडल, ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं इसको। ओजोन गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है वहां पे, उस मंडल में। और ये 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर, वो मंडल आपने देखा 18 से 32, इसका रेंज ओजोन का 30 से 50। और ओजोन गैस के बारे में आप जानते होंगे, ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज, जो हार्मफुल रेज है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, और या अपने में सोख लेती है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, ये भी आपने सुना होगा। तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की जलवायु ज़्यादा गर्म नहीं हो रही, क्योंकि बहुत सारे टेम्परेचर को, जो सूरज का टेम्परेचर है उसको वो सोख लेती है ओजोन मंडल। इसका प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य पर ना पड़े, और इसीलिए क्षोभ मंडल में यानी निचले मंडल में मानव जीवन का अस्तित्व बना हुआ है। तो सबसे नीचे हो गया क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल हुआ 18 किलोमीटर तक, उसके बाद 32 किलोमीटर समताप, उसके बाद 50 किलोमीटर तक ओजोन मंडल, और उसके बाद है आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसको कहते हैं। ये है 50 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक, 50 से सीधे उसमें एक जीरो बढ़ा दीजिए, 500 किलोमीटर। बहुत आसान है याद करना, मैं एक बार आपको याद कराता हूं। पहला मंडल
क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर, दूसरा मंडल समताप मंडल 32 किलोमीटर और तीसरा मंडल ओजोन मंडल 50 किलोमीटर तक है और चौथा मंडल आयन मंडल 500 किलोमीटर तक है। तो इसमें आयन मंडल नाम से क्लियर है, आयन की प्रधानता होती है। आयन मंडल यानी रेडियो तरंगों को यहाँ से पृथ्वी की ओर लौटा देता है। रेडियो सुनते हैं हम लोग जितने भी, वो सब आयन मंडल से उसका कनेक्शन है। रेडियो तरंगों को वहीं से रिटर्न करता है आयन मंडल से। तो बहुत अच्छा, इसमें आपने जाना ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारी बात। अब प्रश्नों की बारी है, तो पहला प्रश्न शुरू करता हूं मैं। बताइए, रामनाथ कोविंद भारत के कैवे राष्ट्रपति है? और दूसरा सवाल, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किन लोगों ने काम किया है? और तीसरा प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, और एक और खास बात कि आप लोग कमेंट करना ना भूलें, इन तीनों का आंसर करेंगे, साथ में सजेशन भी दें। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं। और साथ में आपको पता है क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल पे जो चैनल है, वहाँ जा कर के प्रैक्टिस सेट है, उसको प्रैक्टिस करें और अपने आप को मजबूत करें। आप स्पेशलाइज तरह के प्रैक्टिस करेंगे, विशेषीकृत अंदाज में प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपका GK GS मजबूत होगा। कौन लोग करेंगे प्रैक्टिस? जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCS की कर रहे हैं, CDS की कर रहे हैं, NDA की कर रहे हैं, आर्मी की कर रहे हैं, पुलिस की कर रहे हैं, BEd की कर रहे हैं, DLED की कर रहे हैं, NET की, TET, LTET, समूह ग, ग्रुप सी, जितने भी बैंक, SSC, रेलवे के एग्जाम हैं, सारे विद्यार्थी उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सबके स्तर का वो है बना हुआ, सारे तरह के प्रश्न। और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है, और ऐसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, ये GK का 66वां भाग है, 66वां पार्ट है, और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। प्रश्न लेने से पहले आप से गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर ले अगर आप नए हैं, और क्या करें कि बेल आइकन भी प्रेस कर ले अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन प्रेस कर दे और ऑल का बटन दबा दे, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको समय से वीडियो आपको पहुंच जाए क्रम से, तो ये इसका बेनिफिट होता है। और आपसे गुजारिश है कि एक दूसरा जो चैनल है उस पर जा करके, क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल के नाम से है, उस पर जा करके आप प्रैक्टिस करें सारे स्पेशलाइज तरीके से, IAS से लेकर के PCS, CDS, NDA, आर्मी, पुलिस और रेलवे, बैंकिंग, SSC, ग्रुप सी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करें। सब एग्ज़ाम का वहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज है, वो आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, तो उसको आप करें। चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, पौधों के किस भाग से गाजर प्राप्त की जाती है? ये प्रश्न ग्रुप सी का है। पौधे के किस भाग से गाजर प्राप्त की जाती है? 5 सेकंड का टाइम है, आप उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर है जड़। आपको हम ये बता दें कि जितने भी पौधे हैं, जितने भी चीज़ें आप खाते हैं साग सब्जी में, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, अरवी है, गोभी है, शलजम है, प्याज है, लहसुन है, फूल गोभी है, टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, भिंडी है, लोबिया है, सेम है, ये सब सारे के सारे फल नहीं हैं, और सारे के सारे जो प्लांट हैं उनके
अलग अलग पार्ट के हिस्सा है, अलग अलग पार्ट है, जैसे कोई जड़ है, कोई तना है, कोई फ्रूट है, कोई फल है, कोई बीज है। जैसे मान लिया आलू है, तो आलू जो है तना है, स्टेम है। और जैसे मान लिया गाजर है, तो गाजर क्या है, रूट है, जड़ है। और आलू क्या है, तना है। मान लिया कि सेब है, तो सेब क्या है, फॉल्स फ्रूट में आता है, वो झूठा फल। सेब एक फल है, झूठा फल है। जैसे मान लिया टमाटर है, तो अगर आ जाएगा टमाटर क्या है, तो टमाटर एक्चुअली फल है, टमाटर फल है। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि लिखा देते हैं डायरेक्ट। तो जड़, जड़ की श्रेणी में आप देखिए जड़ कौन कौन है। जड़, तो जड़ में गाजर है, मूली है, चुकंदर है, शलजम है। और नेक्स्ट लिखिए तना। तो तना में कौन कौन है, तना में है आलू है, अरवी है, और गोभी है, और जीनी कंद है, जीनी कंद है आदि। और तना में शल्क कंद में, शल्क कंद में यानी तना में ही है, प्याज है और लहसुन है। और एक है, एक कैटेगरी है अपक्व पुष्प, मतलब एक ऐसा फूल जो अपक्व है, जो पूरे तौर पे पका नहीं है, अपक्व है। तो उसमें आता है फूल गोभी और ब्रोकली, अपक्व पुष्प में फूल गोभी और ब्रोकली। और फल में, फल की कैटेगरी में आप देखिए फ्रूट में आता है टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब फल की श्रेणी में आता है। और बीज में लोबिया, सेम आता है। और देखते हैं और प्रश्न, कुछ प्रश्न और देख लिया जाए। स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का क्या नाम था। बेहतरीन प्रश्न है, बहुत एग्जाम में आया है। आंसर आप 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिर से प्रश्न कर देता हूं, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था। ऑपरेशन ब्लू स्टार। और कई ऑपरेशन, कई युद्ध से जुड़ा हुआ है, उसको देख लेते हैं। कारगिल से जुड़े हुए ऑपरेशन को क्या कहते हैं, 5 सेकंड में आप उत्तर करें। ऑपरेशन विजय, मुंबई हमला जो हुआ था और उसको, उस पे, उसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, उसको क्या कहते हैं। ऑपरेशन कोबरा, हैदराबाद पर पुलिस कार्रवाई हुई थी, उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं। 5 सेकंड में आप उत्तर करें। ऑपरेशन पोलो, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप निम्न में से क्या है। यह प्रश्न आया था, लक्षद्वीप क्या है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसका सही उत्तर होगा लक्षद्वीप द्वीप समूह है। लक्षद्वीप की स्थिति क्या है, कहां कहां है लक्षद्वीप,
बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में, इसका आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। लक्षद्वीप अरब सागर में है, और लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं? ये द्वीप समूह है, कुल कितने द्वीप हैं यहाँ? 36 द्वीप हैं, जिसमें 10 द्वीप पर ही आबादी है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीप का जो समूह है उसमें 36 द्वीप हैं, जिसमें 10 द्वीपों पर ही आबादी है, और इनमें सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? आप 5 सेकंड में उत्तर करेंगे। सबसे बड़े द्वीप का नाम है ऑंड्रेट, ऑंड्रेट। और एक और सवाल लेते हैं, 7 साल के बच्चे अस्थाई मोलर दांतों की कुल संख्या 7 साल के बच्चे में कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 8। और प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या है दांत से जुड़ा हुआ। जब शिशु 6 माह का होता है तभी दूध के दांत या अस्थाई दांत डेसीडुअस टीथ निकलने शुरू होते हैं, और 2 से 2.5 वर्ष की उम्र तक इसकी संख्या 20 हो जाती है। तो दूध के दांतों में 8 कृंतक यानी इंसीजर और 4 केनाइन और 8 मोलर रहते हैं। दूध के दांतों में 8 मतलब 20 दांत होता है, तो 20 में 8 इंसीजर, इंसीजर कहते हैं सामने वाले दांत को, ये जो सामने दांत है, इंसीजर 8 यानी 4 ऊपर और 4 नीचे, और 4 केनाइन वो नोकीले दांत, जो नोकीले दांत होते हैं 2 ऊपर 1 इधर हो गया, 1 इधर, 2 ऊपर 2 नीचे, 2 2 2 4, और ये 4 4, और 8 मोलर होते हैं। 8 इंसीजर, 4 केनाइन, 8 मोलर, टोटल 20 होते हैं। स्थाई दांत में परमानेंट टीथ में 8 इंसीजर होते हैं और 8 और 4 केनाइन होते हैं, सेम 8 इंसीजर, 4 केनाइन और 8 प्रीमोलर तथा 12 मोलर दांत होते हैं, 32 दांत हो गए टोटल स्थाई दांतों में, 12 मोलर होते हैं और 8 प्रीमोलर होते हैं। तो बहरहाल 12 दांत बढ़ जाते हैं। दूध वाले दांत 6 से 13 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। जो दूध वाले दांत हैं जो 2.5 वर्ष तक में हुए थे वो 6 से 13 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं और इसके स्थान पर स्थाई दांत निकलते हैं। तो स्थाई दांत टोटल कितने हैं? 32 हुए, और दूध वाले दांत कितने हैं? 20 हुए। और उसमें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न आया 7 साल के बच्चे में अस्थाई मोलर दांतों की संख्या कितनी है, वो 8 है, तो टोटल दांत 20 होते हैं, 20 में इंसीजर 8, केनाइन 4 और मोलर 8, इंसीजर 8, केनाइन 4, मोलर 8 और बाद में प्रीमोलर 12 जुड़ जाते हैं। ध्यान रहे, इंसीजर 8, केनाइन 4, मोलर 8, बाद में प्रीमोलर 12 जुड़ जाते हैं। तो 12 जुड़े हैं तो 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, यानी 6 ऊपर और 6 नीचे, 3 3 करके, ठीक है। तो नेक्स्ट, खरगोश में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, प्रश्न है। तो खरगोश में केनाइंस नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ चबाने वाले दांत होते हैं, केनाइंस दांत, जो टाइगर में और गोश्त खाने वाले या मीट खाने वाले जानवरों में पाए जाते हैं, जो इंसानों में भी पाए जाते हैं। हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है,
5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, हाथी के लंबे दांत किसका रूपांतरण है? तो वह इंसीजर है, हाथी के लंबे दांत इंसीजर है। और चलिए ये 3 प्रश्न ले लेते हैं। तो बहरहाल 3 प्रश्न का टाइम हो रहा है, उसको तो लेना जरूरी है, अभी हम आपको बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न है, लिपुलेक पास कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, तुजू दर्रा किस राज्य में है? और तीसरा प्रश्न है, नीति दर्रा किस राज्य में है? ये 3 प्रश्न आप जरूर उत्तर करेंगे, बहुत बेहतर आपका परफॉर्मेंस हो रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सुझाव दें कमेंट बॉक्स में, आप उत्तर जरूर करें कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर और कमेंट करें। आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और दूसरे चैनल पे आप जाके प्रैक्टिस सेट को भी प्रैक्टिस करें, जो क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल के नाम से जो चैनल है उसमें जाकर के आप प्रैक्टिस करें चैप्टर वाइज स्पेशलाइज तरीके से, और अच्छा समय दे करके आप कमांड हासिल करें, आपका जरूर होगा मुझे उम्मीद है। हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 72वां पार्ट है और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। और आपको मैं ये बता दूं कि जैसे कि हम प्रश्न लेते हैं, प्रश्न लेने से पहले आप में से जो लोग नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ टाइम से आपको मिल जाए। और साथ में एक सजेशन भी है, सजेशन ये है कि जो डॉक्टर अफरोज इकबाल क्विज गुरु करके एक चैनल है डॉक्टर अफरोज इकबाल, उसमें जा करके स्पेशलाइज तरीके से आपके लिए तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट। वहाँ आप पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जीके के जितने भी पार्ट हैं, विशेषीकृत तरीके से आप वहाँ प्रैक्टिस करें एक एक चैप्टर वाइज, वो आपको बहुत फायदा पहुँचाने वाला है। इस और किस लेवल का है वो प्रैक्टिस सेट आपको बता दें, IAS, PCS, NDA, CDS, LT, TET, समूह ग, ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग, टॉप टू बॉटम जितने भी विद्यार्थी है सबको फायदा होने वाला है। तो आप लोग वहाँ जाके जरूर प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत फायदा पहुँचाने वाला है। चलिए प्रश्न लेते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, भारत के वो राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हैं जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, वो कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक, बहुत लंबा कार्यकाल, करीब करीब 12 वर्षों का कार्यकाल है। तो इसको आप ध्यान में रखें, यानी 1950 से लेकर 1962 तक एक बड़ा लंबा पीरियड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ है, प्रणब मुखर्जी देश के कौन से राष्ट्रपति हैं? कैसे राष्ट्रपति थे? तो प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रहे, 13वें। और जब आपको पता है कि प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति है, तो सम्मानित रामनाथ कोविंद देश के कैसे राष्ट्रपति हैं? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें 5 सेकंड में। तो रामनाथ कोविंद देश के 14वें राष्ट्रपति हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे लगातार कितनी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए?
दो बार। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कितनी बार देश के उपराष्ट्रपति रहे और कितनी बार राष्ट्रपति रहे? 5 सेकंड में। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति थे और 1 बार राष्ट्रपति थे। एक बार भारत के तमाम राष्ट्रपतियों को और उनके कार्यकाल को देख लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पहले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक का कार्यकाल है। दूसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 तक था। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 में हुआ और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। पहले भी आप जान चुके हैं किनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। तो पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे हुए राधाकृष्णन, तीसरे हुए जाकिर हुसैन। ये दिमाग में आपको रखना है, कर्म पूछ देता है। और चौथे वीवी गिरी। तो चौथे राष्ट्रपति लिखिए वीवी गिरी 1969 से 1974 तक। तो पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी। पांचवे राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77। और आपको पता है कि इनकी भी मृत्यु कार्यकाल में हुई। दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु भारत में कार्यकाल में हुई। कमेंट बॉक्स में आप ये उत्तर जरूर करें, कौन से वो दो राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। तो छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल 1977 से 1982 तक थी। 77 से 82। और आपको पता है नीलम संजीव रेड्डी के बारे में, निर्विरोध चुने गए थे कौन से राष्ट्रपति, आया हुआ प्रश्न है कई बार, नीलम संजीव रेड्डी। और सातवें राष्ट्रपति है ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987। आठवें राष्ट्रपति आर के वेंकट रमन 1987 से 1992। और नौवें राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। और दसवें राष्ट्रपति के आर नारायणन 1997 से 2002। ग्यारहवें राष्ट्रपति डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007। और 12वें राष्ट्रपति डॉक्टर प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, उसके बाद 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। उसके बाद रामनाथ कोविंद 2017 से अभी कंटिन्यू है, 22 तक है इनका कार्यकाल। तो 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, 13वें राष्ट्रपति हो गए प्रणब मुखर्जी, 12वें प्रतिभा पाटिल
और 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। एक नजर कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी देख लिया जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति तीन हुए हैं, वीवी गिरी आपको पता है, ऊपर में आपने देखा है, सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन और फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, उसके बाद वीवी गिरी। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी कार्यकाल में कार्यकारी राष्ट्रपति रहे, ये था असल। उसके बाद न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 69 से 69 तक थे। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला कब हुए? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, क्योंकि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु भी कार्यकाल में हुई थी, तो उसके बाद न्यायमूर्ति थे, उपराष्ट्रपति भी नहीं थे कोई, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने लिया था। और बी डी जत्ती ये हैं 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बीच में बी डी जत्ती, ठीक है, ये भी उसी दौरान फखरुद्दीन अली अहमद के वक्त की बात है। हाँ, तो जाकिर हुसैन जो है, जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद दो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, वीवी गिरी और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये ध्यान में रखिए। और बी डी जत्ती वो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बने, ठीक है। वीवी गिरी और हिदायतुल्ला जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद दोनों रहे हैं, और बी डी जत्ती रहे फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन हुए? वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, बी डी जत्ती। वीवी गिरी और हिदायतुल्ला जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद और फखरुद्दीन अली के मृत्यु के बाद, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बी डी जत्ती। तीन कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, वीवी गिरी, हिदायतुल्ला, बी डी जत्ती। चलिए अब तीन प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा, आया वह प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न, आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन है, और तीसरा प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें, आप अपना सुझाव भी दीजिए और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिए। साथ में क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल पर जा करके डिफरेंट सब्जेक्ट के जीके जीएस जो है उसका प्रैक्टिस करें स्पेशलाइज तरीके से, और आप अपने दोस्तों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको भी फायदा पहुँचे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ये जीके का 68वां पार्ट है और इसमें हमेशा की तरह हम प्रश्न को लेंगे। इससे पहले कि हम प्रश्न को लें, आप में से जो नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि समय से आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच जाए, और सिस्टमेटिकली आप तैयारी करें वन बाय वन। और एक आप जिन लोगों को नहीं पता है, क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल चैनल पे जा करके स्पेशलाइज तरीके से आप प्रैक्टिस करें। आप चाहे जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, IAS, PCS, LT, TET, समूह ग, ग्रुप सी, CDS, NDA, आर्मी, पुलिस, जिस भी लेक्चरर, जो भी एग्जाम है, सारे कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट वहां पे बेहतरीन तरीके से चैप्टर वाइज उपलब्ध कराया गया, उसको आप जरूर करें। तो चलिए आप प्रश्न लेते हैं। तो एक प्रश्न आया था, सर्वाधिक
महिला साक्षरता प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? 5 सेकंड का टाइम है, आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करेंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है केरल। केरल में महिला साक्षरता 92.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। बिहार 51.5%। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था उसको देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। July 11। SBI की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई को हुई। और चिकित्सक दिवस, चिकित्सक दिवस, डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्मदिन है, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 1 जुलाई को मनाया जाता है और जुलाई से जुड़ा हुआ दिवस है। कारगिल स्मृति दिवस, कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? '31। और देखते हैं किसको कब कब फांसी दी गई एक नजर, क्योंकि फांसी से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई? 11 अगस्त 1908। नेक्स्ट, अशफाकुल्ला खां को कब फांसी दी गई? 5 सेकंड में आप उत्तर करेंगे। 18 दिसंबर 1927। नेक्स्ट, उधम सिंह को कब फांसी दी गई? 31 जुलाई 1940। और उधम सिंह को किस केस में फांसी दी गई इसका भी उत्तर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है तो। चलिए आगे देखते हैं। बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास में रखा गया। चंद्रशेखर आजाद को कब फांसी दी गई? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। 27 फरवरी 1931 को दामोदर चापेकर को कब फांसी दी गई? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। 18 अप्रैल 1898, राजेंद्र लाहिरी को कब फांसी दी गई?
कमेंट बॉक्स में उत्तर करें 5 सेकंड में। 17 दिसंबर 1927 सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई? 18 अगस्त 1945 वायु दुर्घटना में मृत्यु। तो प्रश्न ये था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई? 1931 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट एक प्रश्न आया था, किसने कहा था देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। स्वामी विवेकानंद, देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, इससे जुड़ा हुआ क्या क्या वक्तव्य है वो देख लीजिए। सॉरी, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, किसने कहा था? 5 सेकंड में उत्तर करें। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, अरविंदो घोष। नेक्स्ट, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिक हैं, किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, किसने कहा था? मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं। 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, आया हुआ है ग्रुप सी का। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला। 5 सेकंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी। भारोत्तोलन में मिला कर्णम मल्लेश्वरी को, भारोत्तोलन में मिला कांस्य पदक 2000 में सिडनी ओलंपिक में, कर्णम मल्लेश्वरी को। तो बहरहाल अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है और प्रश्न लेते हैं हम। तो पहला प्रश्न है, कील नहर किसे जोड़ती है? दूसरा प्रश्न है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? और तीसरा प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? बार बार आता है, आप जानते हैं ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप जरूर करें। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि सजेशन दे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। आप अपने दोस्तों को, अपने ग्रुप में और दोस्तों को जरूर बताएं इसके बारे में। और साथ में आप में से जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर ले, और एक चैनल क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल के नाम से है, वहां जाकर के आप स्पेशलाइज तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। वो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, आप हर एक सब्जेक्ट का वहां प्रैक्टिस सेट बेहतरीन तरीके से है, तो आप वहां पर
प्रैक्टिस करें वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो चाहे आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक के जितने भी एग्जाम है, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटीटीईटी, लेक्चरर, आर्मी, पुलिस, ग्रुप सी, एसएससी, आप सब लोग वहां जाकर के प्रैक्टिस करें, वो एक बेहतरीन प्रैक्टिस प्रोग्राम है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, और ये जीके का 69वां पार्ट है और इसमें हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन लेंगे। तो आपको ये बता दें कि पिछले दिनों हम बात कर रहे थे कर्णम मल्लेश्वरी की, आखिरी ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी, भारतोलन में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। तो हाँ, इससे पहले के प्रश्न कंटिन्यू रहे, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और प्रेस आइकन, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको सही समय से मिल जाए। तो बहरहाल चलिए, तो पहली महिला जिसको ओलंपिक में मेडल प्राप्त हुआ था उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और भी महिलाएं हैं, किन किन क्षेत्रों में उनको क्या मिला है, थोड़ा एक नजर आप देख लीजिए। मेरी कॉम को मुक्केबाजी में मिला है कांस्य पदक 2012 में, मेरी कॉम। और साइना नेहवाल बैडमिंटन में कांस्य पदक 2012 में मिला है, और लेटेस्ट अपडेट इसमें आप कर लेंगे 2016 में किसको क्या मिला है। तो ये करना पड़ता है चूंकि एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तो 2016 में किसको ओलंपिक में क्या मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखेंगे कि 2016 में महिला से संबंधित किन महिलाओं को क्या प्राइस मिला है, ओलंपिक में क्या मेडल मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल है, और ऑप्शन देता हूं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है, 5 सेकंड में उत्तर करें, सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आपको बता दें सर्वाधिक, सबसे ज्यादा चीनी मिले उत्तर प्रदेश में है। और थोड़ा क्रम देख लेते हैं, सबसे ज्यादा चीनी मिले उत्तर प्रदेश में है, जो कि देश का 24% है। उसके बाद महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में है, जो कि 20% है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु। तो साउथ में तमिलनाडु में काफी चीनी मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है किस आयु में, यह प्रश्न काफी आता है, प्रैक्टिस सेट में सब अवेलेबल है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है किस आयु में, 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष में होता है। नेक्स्ट, इससे संबंधित क्या क्या आ सकता है आप देखें। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है, 5 सेकंड में, 65 वर्ष, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की क्या आयु है, 5 सेकंड में उत्तर करें। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बताएं। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6
छह वर्ष या 65 वर्ष का अर्थ ये हुआ कि मैक्सिमम वो अपने पोस्ट पे 6 वर्ष रह सकता है या उससे पहले उसकी आयु 65 वर्ष हो जाती है। निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु बताएं, 5 सेकंड। छह वर्ष या 62 वर्ष की आयु, अर्थात या 6 वर्ष हो या 62 वर्ष पूरा किया गया हो। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसकी सेवानिवृत्ति आयु क्या है, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। तो उसकी सेवानिवृत्ति आयु है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 6 वर्ष अपना संपूर्ण करें या उससे पहले 65 वर्ष पूरा हो गया हो। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों पर मतभेद हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है, 5 सेकंड में आप उत्तर करें। तो जब किसी विधेयक में दोनों सदनों में मतभेद हो तो मतभेद दूर करने का बेहतरीन तरीका है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और उस बैठक की अध्यक्षता पता है आपको कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, 5 सेकंड में आप उत्तर करें, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और संयुक्त बैठक के से अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान सदन का उपाध्यक्ष या यदि वो भी अनुपस्थित रहे तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होगा जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किया जाए। मतलब के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसकी अनुपस्थिति में जो उपाध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करेगा, ये है इसका सीधा सीधा। और उसकी अनुपस्थिति में जो क्या कह रहे हैं, जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुन लिया जाएगा, जिसको जिसका चयन किया जाएगा वो उसकी अध्यक्षता करेगा। तो बहरहाल ये बहुत बेहतरीन टॉपिक था और प्रश्न 3 प्रश्न लेते हैं। चलिए 3 प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई, और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई। दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, देशभक्ति धर्म है और धर्म देश के लिए प्रेम है, किसने कहा। तीसरा प्रश्न, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो इन 3 प्रश्नों का आप उत्तर करेंगे और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन चल रहा है, बहुत अच्छे आप लोग काफी पार्टिसिपेट कर रही है, बड़े प्रसन्नता की बात है। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ सजेशन दें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे। और आपको, आपके लिए एक सुझाव भी है, सुझाव ये है कि
के एक जो चैनल है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल, उसमें आपके लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट का प्रावधान है। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस है, और कौन प्रैक्टिस करेगा? आईएएस से लेके ग्रुप सी तक का कोई भी एग्जाम का जो स्टूडेंट है, कंपटीटर है, वो उसमें प्रैक्टिस कर सकते। जैसे आईएएस के विद्यार्थी पीसीएस के, सीडीएस, एनडीए, टीटी, एलटी और बीएड, डीएलएड, ग्रुप सी, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, जितने भी प्रकार के विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग वहां जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वजह क्या है? सारे क्वेश्चन को समाहित किया गया है टॉप टू बॉटम, और उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा सब्जेक्ट का। इसलिए आपसे ये अनुरोध है कि आप अपना कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज क्लियर करें, ना कि विविध प्रश्नों के चक्कर में आप पढ़ें। तो चलिए, बहुत बेहतरीन है आप लोगों का प्रदर्शन, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 70वां पार्ट है, और इसमें चूंकि आप जानते हैं, हम पहले प्रश्नों को लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ जितना भी तथ्य है उसकी बात करते हैं। इससे पहले कि हम प्रश्न शुरू करें, आप में से जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, और वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि आपको मेरी वीडियो जब भी हम अपलोड करें वो आपके सही टाइम पे पहुंच जाए। तो और एक और आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो एक चैनल है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल के नाम से, वहाँ पे स्पेशलाइज तरीके से आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट का प्रावधान है, डिफरेंट चैप्टर वाइज है, तो उसको आप ज़रूर करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज तो साइंटिफिकली आपका उस सब्जेक्ट पर पकड़ बढ़ेगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप विविध प्रश्नों को प्रैक्टिस करने से बेहतर है कि आप स्पेशलाइज तरीके से प्रश्नों का प्रैक्टिस करें। और ये किन के लिए है? इसमें आईएएस से लेकर ग्रुप सी तक सारे एग्जाम को समाहित किया गया, आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीटी, ग्रुप सी, बीएड, डीएलएड और रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम है सारे प्रश्नों को, तो वो बहुत बेनिफिशियल है। बहुत साइंटिफिक अप्रोच को लेकर के चलते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं, जो प्रश्न हम शुरू करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? 5 सेकेंड में आप उत्तर करें। हेग में, हेग, हेग एक शहर है, वहां पे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, और ये नीदरलैंड में है। ये 1946 में बना, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, जो नीदरलैंड में है, और 1946 में उसको बनाया गया था। इससे जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न आ सकता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा, जेनेवा में है ILO का मुख्यालय। नेक्स्ट, विश्व पर्यटन संगठन WTO, 5 सेकंड में उत्तर करें, इसका मुख्यालय कहां है? WTO मैड्रिड स्पेन में है, मैड्रिड। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कहां है? FAO रोम इटली में है। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ये रोम शहर में है, जो इटली का शहर है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहां है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। वाशिंगटन DC। नेक्स्ट, विश्व बैंक,
वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय, 5 सेकंड में उत्तर करें, वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय बताएं, 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। ये काफी आता है ये प्रश्न, यूनेस्को पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका मुख्यालय कहां है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करिए। WHO जेनेवा स्विट्जरलैंड, जेनेवा में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां है? 5 सेकंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसको बोलते IAEA। ये क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहां है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। ये है वियना, IAEA, वियना ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहां है? 5 सेकंड, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। नेक्स्ट, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, ये आसानी से याद रहेगा आपको, CTBT का मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय है वियना, CTBT का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन। इसके तहत किसी भी देश को परमाणु हथियार रखने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है, CTBT पे जो हस्ताक्षर करते हैं और जो इसके अंतर्गत आते हैं कि आप परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। और तो चलिए अब प्रश्नों की बारी है, तो 3 प्रश्न हम लेते हैं। तो और पहला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल है? और दूसरा प्रश्न, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होगी? निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? और तीसरा प्रश्न, जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों पर मतभेद हो तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो
तो ये मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। और मैं समझता हूँ और आप लोगों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर हो रहा है, काफ़ी अच्छा प्रतिभाग कर रहे विद्यार्थी। और साथ साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, वो भी आप करें। और एक चैनल है क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल, वहाँ जा करके आप जो विशेषीकृत तरीके से आपके लिए जो तैयार किया गया है प्रैक्टिस सेट, उसको आप ज़रूर करें। उससे आपका नॉलेज काफ़ी बढ़ेगा, आपके सब्जेक्ट पे पकड़ काफ़ी स्ट्रांग होगी। और उसमें आप जानते हैं आईएएस से लेकर के हर एक एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट है। कोई भी विद्यार्थी चाहे आर्मी पुलिस की तैयारी कर रहे, आईएएस पीसीएस की कर रहे, सीडीएस एमडीए की कर रहे, एलटी टीटी समूह ग ग्रुप सी रेलवे बैंकिंग एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां जा करके आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक जीके करने के बाद आपका वो कोर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आप ज़रूर करें। और आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ग्रुप में शेयर करें, लाइक और कमेंट्स करें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 67वां पार्ट है, 67 पार्ट ऑफ जीके। तो इसमें हम प्रश्नों को लेंगे, और इससे पहले के प्रश्न शुरू करें, आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें समय से आपको वीडियो मिल जाए। तो और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि एक चैनल है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज इकबाल के नाम से, उसमें प्रैक्टिस सेट है स्पेशलाइज्ड, और इसमें जो भी स्टूडेंट आईएएस पीसीएस एलटी सीडीएस एनडीए लेक्चरर की तैयारी कर रहा है, आर्मी पुलिस रेलवे बैंकिंग, वो वहाँ जा करके आप स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हर एक सब्जेक्ट का स्पेशलाइज तरीके, जैसे हिस्ट्री का है तो हर एक चैप्टर अलग अलग है, हड़प्पा सभ्यता ऋग्वैदिक काल महाजनपद काल मौर्य काल, तो अलग अलग प्रैक्टिस सेट है जो आईएएस से लेकर विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों के साथ संभावित प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें सीडीएस एनडीए सारे एग्जाम का है। तो आप वहां जाकर के प्रैक्टिस करें और स्पेशलाइज तरीके से प्रैक्टिस करें। चलिए प्रश्न को लेते हैं। तो एक प्रश्न आया था, ये ग्रुप सी का प्रश्न है, कील नहर किसे जोड़ती है? और आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, 5 सेकंड में आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया करें। तो कील नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो कील नहर है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और एक है सू नहर किसे जोड़ती है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है, ह्यूरन झील, सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है सू नहर, और ये यूएसए में है, अमेरिका में है, तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरी नहर किसे जोड़ती है? ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है ईरी नहर, ईरी झील और मिशिगन झील, ये भी यूएसए में है। और सू नहर, सू से सुपीरियर झील और ह्यूरन झील, और ईरी नहर ईरी झील, तो एक कॉमन है मिशिगन झील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटा नहर किनको जोड़ती है?
5 सेकेंड स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच है, ये गोटा नहर स्वीडन में है, स्वीडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर नहर, मैनचेस्टर नहर किसे जोड़ती है, 5 सेकेंड मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच है, और आपको पता है मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक शहर है, तो ये मैनचेस्टर नहर ब्रिटेन में है, तो मैनचेस्टर और लिवरपूल को जो के बीच है मैनचेस्टर नहर। नेक्स्ट वोल्गा डॉन नहर, वोल्गा डॉन नहर किनके किनके बीच है, 5 सेकेंड का टाइम है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। रोस्टोव और स्टालिनग्राद के बीच, रोस्टोव और स्टालिनग्राद के बीच, तो वोल्गा डॉन नहर रूस में है और रोस्टोव स्टालिनग्राद रूस का शहर है, रोस्टोव और स्टालिनग्राद के बीच में ये वोल्गा डॉन नहर है। नेक्स्ट बे लैंड नहर, बे लैंड नहर किनके किनके बीच है, 5 सेकेंड में आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। ईरी और ओंटारियो के बीच, ईरी और ओंटारियो के बीच है बे लैंड नहर, और आपको पता है ईरी और ओंटारियो कहाँ है, यूएसए में है, तो बे लैंड नहर यूएसए में है, ईरी और ओंटारियो के बीच। नेक्स्ट केपी नहर किनके किनके बीच है और कहाँ है, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर करेंगे 5 सेकेंड में। तो केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच केपी नहर है, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कहाँ है, भारत में है, तो केपी नहर भारत में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मशहूर है, कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, स्वेज नहर, स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है, 5 सेकेंड का टाइम है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है ये स्वेज नहर, मिश्र में है। और एक है पनामा नहर, तो बताइए पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, 5 सेकेंड में आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य है पनामा नहर, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर। और पहला जो प्रश्न आया था इससे रिलेटेड वो आया था कील नहर किसे जोड़ती है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब आप इन चीजों को लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं तो दोबारा आप इसको सुने और उसके साथ उसका उत्तर करें और आप समझें कि आप कितना याद हो पा रहा है, आप अपना विश्लेषण करें, इसको एक बार आप लिख लें फिर आप याद करें फिर आप सुने और अपने बारे में सोचें कि आपको कितना याद है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रश्न आया है ये एसएससी का है और ग्रुप सी का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, 5 सेकेंड का टाइम है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसका उत्तर तो जरूर करेंगे। तो सही उत्तर है इसका एनी बेसेंट, इसका सही उत्तर है। और इसके साथ साथ एक और बताऊं कि क्वेश्चन आता है कि भारतीय महिला कौन है, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला, वो एक अलग सवाल है,
तो आप इस बात पर ध्यान रखेंगे कि प्रथम भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष कौन है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर करेंगे कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये बात आप करेंगे इसका उत्तर। चलिए इसके साथ साथ तीन प्रश्न हम आपसे लेते हैं और वो तीन प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप हमें बताइए, पहला प्रश्न है पौध वो यानी वो भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, वो तो आप बताएंगे ही। उसके अलावा अब पहला प्रश्न आपका है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। दूसरा प्रश्न है आलू पौधे का कौन सा भाग है, और तीसरा प्रश्न है मिर्च पौधे का कौन सा भाग है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका उत्तर करेंगे, बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस चल रहा है, कमेंट बॉक्स में आप लोग काफी अच्छा उत्तर कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है, बहुत बेहतरीन है। इसके साथ साथ आप में से जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, मुझे कुछ सुझाव दें और लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ साथ में मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप में से जो लोग विविध प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हैं, बेहतर है कि आप क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल पे आप जाएं और वहाँ विशेषीकृत तरीके से, स्पेशलाइज तरीके से, चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करें। चाहे आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईएएस की करें या पीसीएस की करें या सीडीएस एनडीए आर्मी पुलिस की करें या ग्रुप सी की करें, एसएससी की, बीएड एलटी टीटी की, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करें, सारे प्रश्नों को वहां समाहित किया गया और वो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से एक चैप्टर को लिया गया है, उस एक चैप्टर में सारे प्रश्नों को समाहित किया गया, तो उससे आपका वो चैप्टर मजबूत होगा। तो आप जाकर के वहां प्रैक्टिस करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये जीके का 78वां पार्ट है और 77 पार्ट हम लोगों ने समाप्त किया है और शुरू करते हैं 78वां पार्ट। प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है ग्रुप सी में, किसने अमृतसर की नींव डाली, किसने अमृतसर की नींव डाली। और साथ साथ में हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, 5 सेकंड में अगर आप उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। और थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए कि आप इसका उत्तर जानते हैं कि नहीं, एटलीस्ट ये आपके दिमाग में आना चाहिए उन 5 सेकंड के अंदर में। तो चलिए, अमृतसर की नींव किसने डाली, गुरु अर्जुन देव ने। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आ सकता है। तो इससे रिलेटेड यह है कि आगरा शहर की नींव किसने डाली, 5 सेकंड में सोचिए। आगरा सिकंदर लोदी, अहमदाबाद 5 सेकंड, अहमद शाह शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद शहर की नींव किसने डाली, शाहजहां। श्रीनगर की नींव किसने डाली, श्रीनगर बहुत मशहूर है, यह भी काफी आता है ये प्रश्न, जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे, नहीं जानते हैं तो बाद में इसको आप सुने और फिर आप ये अपना मूल्यांकन जरूर करें कि आप सही में कितना जान पा रहे हैं। श्रीनगर अशोक, पाटलिपुत्र उदयन, पाटलिपुत्र की नींव किसने डाली, उदयन ने। खिजराबाद, खिजराबाद
अलाउद्दीन खिलजी। मुबारकबाद, मुबारक शाह, ये सैयद वंश के थे। मुबारकबाद डिफरेंट शहर हैं, बहुत अजीब अजीब नाम भी है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा, मिलाने के लिए भी आ जाता है कई बार। और दोबारा वीडियो आप देखें तो अपना मूल्यांकन जरूर करें और कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, ये अच्छी बात है, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रैक्टिस हो जाता है तो आप कभी नहीं भूलेंगे इस बात को आप अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि पाटलिपुत्रा, और हम जान रहे हैं उदयन, लेकिन जब आप एक बार लिख लेंगे ना उदयन, तो वो आपके लिए हमेशा हो जाता है, फिर आपको वो लंबी अवधि तक याद रहता है। तो चलिए दिल्ली, अनंत पाल कुमार तोमर, अनंत पाल कुमार तोमर, तोमरों ने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। जयपुर, सवाई जय सिंह। पांडिचेरी, फ्रैंक मार्टिन। फतेहपुर सिकरी, बहुत आता है ये प्रश्न, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसने की? और ये भी आता है कैवे वर्ष में कि इबादत खाना कहाँ था, ये तो इतिहास में अपने क्विज गुरु डॉक्टर फिरोज इकबाल पे आप जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा विस्तृत तरीके से आपको मिलेगा सारा मटेरियल। तो ये तो बहुत आता है, फतेहपुर सिकरी जानते भी हैं आप लोग। अकबर, आधुनिक दिल्ली, देखिए ये जो दिल्ली की हम बात कर रहे थे वो प्राचीन दिल्ली की बात कर रहे हैं। अनंत कुमार पाल तोमर, अनंत कुमार तोमर, अनंत पाल कुमार तोमर, ये प्राचीन दिल्ली की स्थापना करने वाले हैं। लेकिन आधुनिक दिल्ली, एडवर्ड लुटियन, कई बार ये प्रश्न आया है, एडवर्ड लुटियन ने किया था इसकी स्थापना। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केसर मसाला, सैफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा। अब थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, जो केसर होता है वो स्टिग्मा होता है, जो फ्लावर्स के जो पार्ट है ना उसमें बीच में होता है वो स्टिग्मा। फ्लावर्स के एक्चुअली चार पार्ट होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेशियम। कैलिक्स को सेपल भी कहते हैं और कोरोला को पेटल कहते हैं, सेपल, पेटल, एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम। और इसको, ये एक्चुअली फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, और एक होता है स्टैमेन जो एंड्रोसियम को ही कहते हैं, जो मेल पार्ट है, और गाइनेशियम जो फीमेल पार्ट है जो सबसे बीच में होता है। तो बहरहाल इसको आप पढ़ेंगे, जब आप बॉटनी पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, बेसिक बातें तो आपको जाननी ही है सारी। तो बहरहाल केसर मसाला जो, ये प्रश्न आया था, उतना डीप में आप नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा। केसर मसाला, केसर जो होता है वो स्टिग्मा होता है, हिंदी में है वर्तिकाग्र, आया हुआ प्रश्न है, ग्रुप सी का है। मटर जो हम लोग खाते हैं वो क्या है? तो मटर जो हम लोग खाते हैं भ्रूण है, भ्रूण, भ्रूण कहते हैं इंद्रियों को, यानी पूर्ण बीज भी है, बीज है। इंद्रियो एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ मेल और फीमेल पार्ट जब मिलता है और वो इंद्रियो होता है, पूरे तौर पे अभी वो डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अभी वो इमैच्योर स्टेज है। तो मटर हम लोग भ्रूण है, वो इंद्रियो। काजू, काजू जो है बीज पत्र है और मांसल पुष्प वृत्त है। काजू जो है फूल है, एक्चुअली फूल का एक पार्ट है और बीज है काजू। और मूंगफली, मूंगफली भी इम्ब्रियो है, पूर्ण बीज है मूंगफली।
और नारियल क्या है, नारियल भी आपको एम्ब्रियो है और भ्रूण पोष भी है, भ्रूण भी है। अखरोट पालीवत बीज पत्र है, बीज पत्र है, सीड है अखरोट। और आम मांसल मध्य फल भित्ति, जो आम है वो मिडल पार्ट है फ्रूट का, ठीक है, जो हम लोग खाते हैं वो फ्रूट है। और केला क्या है, केला भी जो मिडल पार्ट है फ्रूट का, जो हम लोग खाते हैं वो फ्रूट है। पपीता क्या, वो भी मध्य फल भित्ति है, मतलब बीच का फल खाने के लायक है, इसका मतलब ये है, मिडल पार्ट जो है ना फ्रूट है उसका। अनार क्या है, अनार बीज है, सीड है, रसदार सीड है। और कटहल सहपत्र परिदल पुंज तथा बीज, बीज भी माना जाता है कटहल को जो आप खाते हैं। और लौंग, लौंग का क्वेश्चन काफी आता है, तो लौंग जो है पुष्प कलिका है, मतलब वो फूल है और बंद कलियां भी कहते हैं उसको, फूल का पार्ट है, पार्ट ऑफ फ्लावर्स लौंग। अब बंद को भी काईक कलियां, काईक कलिका, काईक कलिका। तो बहरहाल काईक कलिका का मतलब हो गया कि चारों तरफ उसके खाने वाली चीज है। और लौंग है पुष्प कलिका, मतलब फ्लावर का एक पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं। तो बहरहाल इसमें एक नज़र आपको रखना है, ध्यान रखना है कि हम लोग क्या खाते हैं, किस फल का। सपोज के आ जाएगा इसी हिसाब से आम आ जाएगा या लीची आ जाएगा, तो आपको समझना है कि लीची का कौन सा पार्ट खाते हैं, वो क्या है। एक आइडिया से भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है, बीज है या फल है, क्या खाते हैं। अब मान लीजिए कि बादाम है या काजू है, तो काजू क्या है, वो किसी चीज़ का बीज लग रहा है। लेकिन आम है तो आम का तो बीज अंदर है ना, बीज नहीं खा रहे हैं, आम का हम फल खा रहे हैं। तो फल और बीज में इस तरह से आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह का कई प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान रहना रहना चाहिए आपको। चलिए एक और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ये प्रश्न कई बार आया है, इतिहास से है, कलिंग युद्ध का उल्लेख किस में मिलता है। तो कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, 5 सेकंड का मैं टाइम देता हूं आपको, 5 सेकंड में आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। शिलालेख 13, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का, और यहीं से आपको पता है कि अशोक जो है ने धम्म घोष की स्थापना की, भेरी घोष छोड़ दिया, यानी मार काट छोड़ करके शांति स्थापना में निकल गया अशोक, शांति का दूत बन गया। शिलालेख 13 से पता चलता है, 13 में कलिंग युद्ध का जिक्र है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कलिंग युद्ध में कितने लोगों का कत्ल अशोक ने किया था, कितने घायल हुए थे, ये आप लिखेंगे। चलिए और देख लेते हैं कि आखिर पहला शिलालेख में क्या, शिलालेख को देखना पड़ेगा ना, तो पहला शिलालेख में क्या है, पहला शिलालेख में ये आपको याद होना चाहिए, पशु बलि की निंदा। और दूसरा शिलालेख में सोच के आप बताइए, मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सा व्यवस्था। तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों को 5वें वर्ष में दौरे पर जाने और धार्मिक नियम तीसरे शिलालेख में है। चौथे शिलालेख, भेरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना, ये चौथे शिलालेख में है, बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा शिलालेख क्या है, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, अशोक ने धर्म महापात्रों की नियुक्ति की, वो 5वें शिलालेख में। छठे शिलालेख, आत्मनियंत्रण की शिक्षा,
सातवां और आठवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्रा, नौवां शिलालेख सच्ची भेंट और सच्चा शिष्टाचार, दसवां शिलालेख राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, ग्यारहवां शिलालेख धम्म की व्याख्या, बारहवां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, तेरहवां शिलालेख जो आ चुका है प्रश्न कलिंग युद्ध, चौदहवां शिलालेख अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया, किस प्रकार से जीवन जीना है यह चौदहवें शिलालेख में है। और थोड़ा और लिख लें, स्तंभ लेख की संख्या 7 है अशोक की, और प्रयाग स्तंभ लेख है 1, प्रयाग स्तंभ लेख ये पहले कौशाम्बी में था, अकबर ने इलाहाबाद स्थानांतरित किया था प्रयाग स्तंभ लेख को, इसलिए इसका नाम प्रयाग स्तंभ लेख है। और दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है कि ये स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था, टोपरा हरियाणा में है। और एक है दिल्ली मेरठ, ये पहले मेरठ में स्थित था, ये स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख कौन लेके आया दिल्ली, फिर दिल्ली मेरठ अभिलेख कौन लेके आया दिल्ली, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में आएगा कि किसने इसको कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित किया, तो किसने किया, अकबर ने किया। तो बहरहाल और तीन प्रश्न ले लेते हैं, चलिए उन तीन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो बताइए मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है, प्रथम सवाल। और दूसरा सवाल, हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। और तीसरा प्रश्न, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादित राज्य कौन है। और आप में से जो नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट वगैरह करते रहिए और दूसरे ग्रुप में शेयर कीजिए काफ़ी, ताकि सब लोगों को इसका फ़ायदा हो। आप जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, एक दूसरे से मोटिवेट होंगे तो आप भी तैयारी के लिए तत्पर होंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये जीके का 82वां पार्ट है और 81 पार्ट हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। वो व्यक्ति जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का प्रथम अध्यक्ष बना, उसका नाम बताएं। ये क्वेश्चन आ चुका है, 5 सेकंड आपको टाइम मिलता है, उसमें आप कमेंट बॉक्स में उत्तर किया करें, और नहीं उत्तर कर पा रहे तो आप सोचे दिमाग में के सही उत्तर क्या, आप अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करें, नेक्स्ट टाइम जब आप वीडियो देखेंगे तो अपना मूल्यांकन क्या करें कि आपको याद है अथवा नहीं। तो ये एक बेहतरीन प्रोग्राम है, इस मामले में 2-in-1 है। वो व्यक्ति जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का प्रथम अध्यक्ष बना, सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रथम अध्यक्ष CSIR का पंडित जवाहरलाल नेहरू। CSIR की स्थापना कब हुई और CSIR का फुल फॉर्म क्या है, आप उत्तर करें कमेंट बॉक्स में। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक आई से इंडस्ट्रियल एंड रिसर्च, ठीक है, 1942, इससे जुड़ी हुई बात। तो CSIR का मुख्यालय, 5 सेकंड, नई दिल्ली,
और इसके अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आया हुआ है किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है या देवी देवी को? सही उत्तर है सावित्री। और ये क्वेश्चन कई बार आता है, गायत्री मंत्र कहां उल्लेख है? ऋग्वेद में। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ? सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ढाका 1985। इसी के साथ आप बताएंगे सार्क का फुल फॉर्म क्या है, पहले भी हो चुका है, ये सब रिपीट होता रहता है और होता भी रहना चाहिए क्योंकि ये तो बर्निंग क्वेश्चन है, ये आएगा ही। सार्क का फुल फॉर्म बताएं, ये भी आ चुका है, आप कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताएं। और एक क्वेश्चन आया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था प्रथम बार? सही उत्तर है इसका विश्वनाथ आनंद 1991-92 में। आपको करंट में बताया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला इस वर्ष, आप ये बात कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है। और ताकि आप जागरूक रहें, चारों तरफ ध्यान रहे, तो करंट में आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, ये कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। प्रथम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद किस खेल से जुड़े हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए और इसमें एक क्वेश्चन आया था के इवोल्यूशनरी थ्योरी उद्विकासीय सिद्धांत का जन्मदाता कौन है? तो सही उत्तर है डार्विन। डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इसका वर्णन किया, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में एवोल्यूशन पहली बार। और इससे पहले लेमार्कवाद भी 1809 में, डार्विन ने 1859 में दिया। नौ डार्विनवाद भी है, उत्परिवर्तनवाद भी है, एक सिद्धांत म्यूटेशन कहते हैं उसको। ये ह्यूगो डी वेरीज, एक साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरीज, उन्होंने म्यूटेशन की थ्योरी दी, इसको हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। म्यूटेशन का मतलब आप में से कितने लोग जानते हैं म्यूटेशन का मतलब, कमेंट बॉक्स में लिखें व्हाट इज म्यूटेशन इन साइंस। एक होता है इवोल्यूशन, अच्छा आप लोगों को पता है यार, पता करें आप, एक होता है इवोल्यूशन, एक होता है प्रोग्रेस, एक होता है डेवलपमेंट, और क्या क्या होता है? इवोल्यूशन, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, म्यूटेशन, इन सारों का मीनिंग आप जाने कमेंट बॉक्स में लिखें। डेवलपमेंट क्या है, प्रोग्रेस क्या है, बार बार बात आती है ना, डेवलप करना है सोसाइटी को, डेवलपमेंट चाहिए। ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, मैं आपको जस्ट दे रहा हूँ आइडिया, चूंकि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस की कर रहे हैं तो ये आपको जानना ही चाहिए। प्रोग्रेस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इवोल्यूशन क्या है और म्यूटेशन क्या है, ये तीन, और फिर सोशल चेंज क्या है। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा नाटक श्री हर्ष द्वारा लिखा गया, हर्षवर्धन हर्ष द्वारा लिखा गया, तो इसमें सही उत्तर है प्रियदर्शिका। और हर्ष ने तीन नाटक लिखे थे तो उसमें एक है प्रियदर्शिका, बहुत महत्वपूर्ण है, जो ऑप्शन में आया था,
बाकी तीन नाटक का नाम भी लिखना है, बाकी दो कौन है, मिल जाएगा आपको। और हिस्ट्री वाले सीरीज में इसका वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासक, बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं इतिहास में कि उन्होंने बहुत सारी रचना की है, उनके बारे में जानते हैं, उनसे क्वेश्चन आता ही है। एक तो एक तरफ आप शासक लिखें और दूसरी तरफ आप कीर्ति लिखें। और हाल है एक शासक है, ये हाल नाम है व्यक्ति का, हाल है, ये सातवाहन के राजा थे, सातवाहन। इन्होंने लिखा गाता सप्तशतक और बृहत कथा, बृहत कथा भी इनकी रचना है, गाथा सप्तशतक भी इनकी रचना है और गुणाढ इनकी रचना है। नेक्स्ट में लिखे महेंद्र वर्मन, ये पल्लव राजा हैं। इनकी कीर्ति का नाम है मत विलास परहसन। एक है अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट का राजा है, और इनकी कीर्ति का नाम है कविराज मार्ग। एक है बल्लाल सेन, सेन वंश का राजा है बल्लाल सेन, इनकी कीर्ति है दान सागर अद्भुत सागर। और एक है विग्रह राज 4 विसल देव, विग्रह राज 4 विसल देव, चौहान वंश के राजा हैं ये। इनकी रचना है हरी केली। और एक राजा है फिरोज शाह तुगलक, इनकी रचना का नाम है फतुहाते फिरोज शाही। एक है सिकंदर लोदी, इनकी रचना है गुलरुखी। और एक है देवराय द्वितीय, विजयनगर राज के हैं देवराय द्वितीय, इनकी रचना है महानाटक सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है इन्होंने। महानाटक सुधा निधि देवराय द्वितीय की रचना है। और एक है कृष्णदेव राय, ये भी विजयनगर के, कंफ्यूज मत होइएगा, कृष्णदेव राय बहुत महान राजा था, इनकी रचना है काफी और जो बहुत मशहूर है अमुक्त माल्यद, तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद। और एक है जाम्बवती कल्याणम, कृष्णदेव राय की जो अमुक्त माल्यद है वो तेलुगु में है, जाम्बवती कल्याणम संस्कृत में है। और बाबर है, बाबर को आप जानते होंगे, किस राज का संस्थापक है ये आप कमेंट बॉक्स में उत्तर करेंगे। बाबर, इनकी पुस्तक का नाम है बाबरनामा। और ये आईएएस में भी आ चुका है, किस भाषा में है बाबरनामा ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो बाबर ने लिखी वो किस भाषा में लिखी, तुझके बाबरी है एक्चुअली, और उसको अनुवाद किया गया था बाबरनामा के रूप में, किसने अनुवाद किया ये भी आप लिखेंगे, ये भी हो चुका है, ये सब आप लिखें कमेंट बॉक्स में। तो बाबर ने लिखी बाबरनामा, किस भाषा में लिखी ये आप बताएंगे, और बाबरनामा यानी किस भाषा में किसने अनुवाद किया ये भी आप बताएंगे। और दारा शिकोह बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्ति था, दारा शिकोह, इसने लिखा था मजमाल बहरैन, और दूसरी किताब थी इनकी सफीनातुल औलिया। एक था मजमाल बहरैन और दूसरा है सफीनातुल औलिया। इसने उपनिषदों पे पुस्तक लिखी थी दारा शिकोह। तो ये था इतिहास के बारे में। चलिए सवाल ले लेते हैं
आप बताइए कि रोम किस नदी के तट पर स्थित है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, न्यूयॉर्क किस नदी के, न्यूयॉर्क का कई बार आ चुका है, आईएएस में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है। और तीसरा सवाल, टोक्यो टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए, हाँ, आप में से जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, और अपने दोस्तों को कॉलेज ग्रुप में हर जगह अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुँचे। चलिए, थैंक यू बहुत बहुत।